जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौए के साथ रहती थी। टुनटुनी की शादी हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। एक रात टुनटुनी अपनी सास सुंदरी कौए के पास बैठी थी। माँ जी लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू जा, रात बहुत हो चुकी है, कालू तेरा इंतजार कर रहा होगा। अगर तू नहीं गई तो वो नाराज हो जाएगा, ठीक है? माँ जी मैं जा रही हूँ, आप सो जाइए, कोई परेशानी हो तो मुझे आवाज लगा लेना। टुनटुनी अपने कमरे में चली जाती है। अजी सुनते हो, सो गई क्या? सो नहीं तो और क्या करूँ, तुम्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं। दिन भर घर के काम में लगी रहती हो और रात को माँ की सेवा करने लगती हो, मेरे लिए तो तुम्हारे पास समय है ही नहीं। अरे बापरी, आप मुझसे इतना नाराज हैं, ये तो मुझे पता ही नहीं था। कालू कौवा टुनटुनी की बातों का जवाब नहीं देता और सो जाता है। अगले दिन वो सुबह सुबह काम पर चला जाता है। माँ जी ये कालू जी सुबह सुबह कहाँ चले गए? मैंने उन्हें पूरे घर में छान मारा पर वो कहीं नहीं मिले। आपने उन्हें कहीं जाते हुए देखा है क्या? हाँ बहू, वो काम पर चला गया, उसे दफ्तर में कुछ जरूरी काम था। वैसे कुछ उखड़ा उखड़ा लग रहा था, कल रात तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? नहीं माँ जी, लड़ाई तो नहीं हुई पर वो मुझसे थोड़े नाराज है। बहू तू हर समय मेरी सेवा में लगी रहती है, तू अपने पति पर भी ध्यान दिया कर। उधर कालू कौआ ऑफिस में बैठा था तभी उसका बॉस कड़कनाथ सेठ वहाँ आता है। क्या बात है कालू, आज तुम्हारा मन काम करने में नहीं लग रहा है, घर में पत्नी से झगड़ा करके आए हो क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। तो ठीक है, अपना काम मन लगा कर करो। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ वहाँ से चला जाता है। शाम को जब कालू अपने घर जाता है तो देखता है वहाँ टुनटुनी की सहेली पिंकी चिड़िया आई हुई है। ये कौन है टुनटुनी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। अरे जीजू, मैं टुनटुनी की सहेली हूँ और आपसे मुझे एक बहुत जरूरी काम है। कहिए, आपको मुझसे कौन सा जरूरी काम है? वो ऐसा है जीजू, मेरे पापा की एक फाइल आपके ऑफिस में अटकी पड़ी है, बस उस पर आपका सिग्नेचर चाहिए। वैसे तो ऑफिस के चक्कर मेरे पापा लगाते थे लेकिन आज उनकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। ठीक है पिंकी जी, आपका काम हो जाएगा, आप कल मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलिए। कालू कौवा पिंकी की खूबसूरती और उसकी मीठी मीठी बातों का दीवाना हो गया था। अगले दिन पिंकी चिड़िया कालू के ऑफिस में जाती है और अपना काम करवा लेती है। इस तरह उन दोनों का मिलना जुलना शुरू हो जाता है। अब कालू कौवा जब भी ऑफिस से घर लौटता तो बहुत खुश होता था। उसे खुश देखकर टुनटुनी राहत की सांस लेती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पति के मन में कुछ और ही चल रहा है। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, काफी दिन हो गए हम दोनों साथ में फिल्म देखने नहीं गए, अगर आपके पास समय हो तो आज हम लोग फिल्म देखने चलते हैं। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए समय नहीं है। वो टुनटुनी को डांट देता है और अगले ही दिन पिंकी चिड़िया से शादी करके उसे अपने घर लेकर आता है। ये तूने क्या किया कालू बेटा, अपनी ही पत्नी की सहेली को उसकी सौतन बनाकर घर ले आया। कालू जी मैंने आपकी किसी बात का कभी बुरा नहीं माना, अगर आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजिए पर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। और तू तो मेरी सबसे अच्छी सहेली है ना, तुझे मेरा ही घर मिला था बर्बाद करने को। चल हट, अब मैं तेरी कोई सहेली नहीं, तेरी सौतन हूँ। सौतन जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध और यहाँ से निकल। तू मुझे यहाँ से क्या निकालेगी, मैं खुद ऐसे पति के साथ रहना नहीं चाहती। टुनटुनी रोती हुई वहाँ से चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसकी सास सुंदरी भी उसके साथ चली जाती है और दोनों सास बहू अपना अलग घोंसला बना कर खुशी खुशी रहने लगती है। नैनीताल के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके पिता की मौत बचपन में ही हो गई थी, तब टूनी चिड़िया ने टुनटुनी को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। टुनटुनी अब बड़ी हो गई थी और उसकी शादी की चिंता टूनी चिड़िया को सताने लगी। एक दिन जंगल का मुखिया कड़कनाथ कौआ टूनी चिड़िया के घर आता है। कहो भाभी कैसे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? मुखिया जी आप बताइए, कहिए कैसे आना हुआ?
तुम्हारे बिटिया के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। शहर में मेरी मौसी का बेटा है। तुम कहो तो बात आगे बढ़ाऊँ। वैसे आजकल मौसी मेरे पास आई हुई है, कल उनका बेटा भी आने वाला है। तुम चाहो तो कल ही टुनटुनी को दिखा देते हैं। ठीक है मुखिया जी, एक ना एक दिन बेटी को विदा तो करना ही है। अगले दिन मुखिया की मौसी चंपा कौवी और उसका बेटा कालू टुनटुनी को देखने आते हैं। बहन जी, मुझे तो टुनटुनी पसंद है, बस मेरा बेटा हाँ कह दे, फिर लेन देन की बातें भी हो जाएंगी। थोड़ी देर तक कालू टुनटुनी से बात करता है और फिर अपनी हामी भर देता है। मुबारक हो बहन जी, अब आपकी बेटी मेरी हुई, लेकिन दहेज में मुझे 2 लाख रुपए नगद चाहिए। मेरा बेटा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है, इसमें पैसे तो लगेंगे ही। वैसे भी मैं आपसे बहुत थोड़ा दहेज मांग रही हूँ। आप लोग गांव के हैं और हम लोग शहर के। शहर में शादी करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। मैं तैयार हूँ बहन जी, बस मेरी बेटी का घर पर जाए, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी। इस तरह कुछ दिनों बाद टुनटुनी और कालू की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। शादी को 1 महीना गुजर जाता है। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी एक बात पूछूं आपसे, मेरी शादी हुई 1 महीना गुजर गया पर ये रात को कभी घर पर रुकते ही नहीं है, आखिर इनका ऐसा कौन सा काम है जिसे वो दिन में नहीं कर सकते। मेरा बेटा कौन सा काम करता है, इससे तुझे क्या मतलब, बस तू खाने और घर संभालने से मतलब रख, ज्यादा दिमाग चलाया मत कर, ये गांव नहीं शहर है, यहाँ दिन और रात एक समान काम होता है। टुनटुनी अपनी सास की बातें सुनकर चुप रह जाती है। उसे नहीं पता था कि उसका पति शहर में किसी और चुड़िया से शादी करके उसे धोखा दे रहा है। एक दिन टुनटुनी बाजार किसी काम से गई थी, वहाँ वो कालू कौवे को एक चुड़िया के साथ शॉपिंग करते हुए देख लेती है। अरे ये तो मेरे पति कालू जी हैं, और इनके साथ ये चुड़िया कौन है जिसे ये शॉपिंग करा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए तो इनके पास थोड़ा भी समय नहीं है। टुनटुनी तुरंत अपने पति के पास जाती है। अरे कालू जी आप और यहाँ ये कौन है, इनसे मेरा परिचय तो कराइए। मैं इनकी पत्नी हूँ और आज मेरे पति देव मुझे शॉपिंग करा रहे हैं। लेकिन इनकी पत्नी तो मैं हूँ और मेरी इनसे शादी हुई है। क्या बकवास कर रही है, मैं तुझे नहीं जानता, चलो जाओ यहाँ से। टुनटुनी आंसू बहाती हुई अपने घर चली जाती है। माँ जी आप लोगों ने मुझे धोखा दिया है, मेरी जिंदगी के साथ खेला है। तभी कालू कौवा भी घर चला आता है। माँ अब इस गवार का कोई काम नहीं, हम आज ही इसका काम तमाम कर देते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर टुनटुनी को एक नदी में ले जाकर फेंक देते हैं। बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी, मुझे तैरना नहीं आता। तभी उस नदी के पास पानी पी रहा एक हाथी का बच्चा टुनटुनी की आवाज़ सुनता है। वो किसी तरह टुनटुनी को नदी में डूबने से बचा लेता है। टुनटुनी अपने साथ शहर में हुए सत्याचार को अपनी माँ को नहीं बताती। नहीं नहीं, मैं अपनी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी, और मैं वापस अपने ससुराल भी नहीं जाऊंगी, मैं खुद से अपना एक नया घोंसला बनाऊंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया नदी किनारे एक पेड़ पर एक घोंसला बनाती है और आराम से उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में टोनी नाम की एक चिड़िया अपने बेटे बंटी कबूतर और अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी टुनटुनी चिड़िया अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। आस पड़ोस के पक्षी भी उसे ताने देने लगे थे। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर निकलती है, तब उसकी पड़ोसन सुंदरी कौवी तीखी जुबान में कहती है, अरे टुनटुनी बहू अब तो तेरी शादी के कई साल गुजर गए, लेकिन तू अभी तक माँ नहीं बनी, लगता है तेरे भाग्य में औलाद का सुख नहीं है। ये सुनकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। वो सुंदरी कौवी से कहती है, हाँ काकी डॉक्टर बुलबुल को दिखाया है, अब तो जब भगवान चाहेंगे तभी माँ बनने का सुख मिलेगा। ठीक है बहू अब मैं चलती हूँ, मेरा पोता रो रहा है। टुनटुनी चिड़िया को सुंदरी कौवी की बातें सुनकर बहुत रोना आता है। वो सोचती है, सुंदरी कौवी मुझे संतान न होने का ताना दे रही थी, मैं क्या करूँ, मैं भी तो माँ बनना चाहती हूँ, मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है, पर लगता है नसीब में संतान का सुख नहीं।
था। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया टुनटुनी को अपने पास बुलाती है और कहती है, बहू लगता है मैं अपने पोता पोती को देखे बगैर ही मर जाऊंगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने अपने बेटे का ब्याह तुमसे कराया था। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है जो ये बांझ बहू हमारे खूंटे से बांध दी है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास की जली कटी सुनकर रोने लगती है। और अपने घोंसले में चली जाती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे इस घर को वारिस मिल जाए। क्यों ना मैं बंटी कबूतर की दूसरी शादी करा दूं। अगर मुझे बच्चा नहीं हुआ तो क्या हुआ। बंटी की दूसरी पत्नी का जो बच्चा होगा उसे ही मैं माँ का प्यार दूंगी। टुनटुनी जाकर अपनी सास को ये बात बताती है। टोनी चिड़िया तो ये बात सुनने के लिए तैयार बैठी थी। वो झट से टुनटुनी चिड़िया की बात मान लेती है और इस तरह बंटी कबूतर की दूसरी शादी हो जाती है। जब नई दुल्हन घर में आती है तब टुनटुनी चिड़िया उससे कहती है, बहू जल्द से जल्द तू इस घर को वारिस दे दे, अब तुझसे ही उम्मीद है। नई दुल्हन शर्मा जाती है और कुछ नहीं बोलती। इसी तरह एक महीना हंसी खुशी से गुजर जाता है और बंटी कबूतर की नई पत्नी पिंकी चिड़िया माँ बन जाती है। पूरा घर खुशियों से भर जाता है। आज टुनटुनी चिड़िया भी बहुत खुश थी। वो खुशी खुशी बच्चे को गोद में लेने जाती है। तभी पिंकी चिड़िया चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना वरना मैं तुझे यहाँ रहने भी नहीं दूंगी मनुष्य कहेगी। बंटी कबूतर ये सब कुछ होते हुए देख रहा था लेकिन वो अपनी नई पत्नी को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तब टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से कहती है, आप देख रहे हैं न जी ये क्या बोल रही है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकती। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी से कहता है, मेरी नई पत्नी ठीक ही तो कह रही है। निकल जा तू इस घर से, अब तेरा इस घर में कोई काम नहीं। उस रात अपने पति का ये बर्ताव देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही दुखी होती है और हमेशा हमेशा के लिए बंटी कबूतर को छोड़कर जाने की सोचती है। जिस पति के लिए मैंने अपना बलिदान दिया उसी ने आज मुझे घर से बाहर निकालने की बात कही। ये सब सोचते सोचते उसकी आंख लग जाती है। ध्यान से तेल छिड़कना कहीं उठ ना जाए, अगर इसकी आंख खुल गई तो शोर मचा देगी। आप चिंता मत करो, मैं उसका लालटेन नीचे गिरा दूंगा। सब सोचेंगे लालटेन से आग लगी है, हम पर किसी को शक नहीं होगा। टुनटुनी गहरी नींद में सो रही थी। बंटी पूरे घोंसले में तेल छिड़क देता है और लालटेन नीचे गिरा देता है। आग पूरे घोंसले में फैलने लगती है। बंटी तभी बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। माँ ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, लगता है जाम हो गया है। मुझे नहीं मरना माँ, कोई बचाओ। अरे ये दरवाजा कैसे बंद हो गया, कोई तो बचाओ। अजी सुनिए ये आग कैसे लग गई? आप घबराइए मत, आपको कुछ भी नहीं होगा। ये क्या हो रहा है बंटी मेरे बच्चे, तू दरवाजे को धक्का मार खुल जाएगा। माँ शायद हमारे पापों की सजा हमें मिल रही है। टुनटुनी माँ और मैं तुम्हें जलाकर मारना चाहते थे लेकिन आग तुम्हें छू भी नहीं रही है, ये मेरी ओर आ रही है, मैं नहीं बचूंगा। हे देवी मैया इनकी भूल को क्षमा कर दो, अपने सुहाग के बिना मैं भी मर जाऊंगी। अपना क्रोध शांत करो देवी मैया, दया करो मैया, नहीं तो मैं भी सर पटक पटक के आपके सामने प्राण त्याग दूंगी। और फिर टुनटुनी की विनती सुनकर देवी मैया का क्रोध ठंडा हो जाता है और अग्नि शांत हो जाती है। देवी मैया की जय हो, टुनटुनी आज तुम्हारे कारण मेरे प्राण बचे हैं, मुझे माफ कर दो, घोर पापी हूँ मैं। टुनटुनी सभी को माफ कर देती है।